हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान के टॉप 40 प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम्स रेलवे, ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी, SSC CGL, UP पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली बेल आइकन है और उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियोज अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक, योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर है 22 दिसंबर को। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आंसर है अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक, डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 फारेनहाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? आंसर है दिग्बोई असम में। ठीक, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र जो है दिग्बोई असम में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 जनवरी को। ठीक, थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? आंसर है नर्मदा का। ठीक, अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर है GV मावलंकर। ध्यान दीजिएगा, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष GV मावलंकर थे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो आंसर है दामोदर नदी पर। ठीक, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी पर जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर है चीन में। ठीक, कागज़ का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आंसर है डायनेमो के द्वारा। ठीक, डायनेमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? आंसर है बट्टू केशवर दत्त। ठीक, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी बट्टू केशवर दत्त थे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर है भगत सिंह। ठीक, शहीद आजम के नाम से जो है भगत सिंह जाने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन का विस्तार क्या होगा? तो यानी लाइन का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? आंसर है 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक, बंगाल का विभाजन जो है 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? आंसर है 385,000 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 385,000 किलोमीटर जो है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का शासक था और उसकी मृत्यु जो है चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो आंसर है माइकल ओडार। ध्यान दीजिएगा, माइकल ओडार जो कि जालियांवाला बाग में जो है गोलीबारी का जो है आदेश दिया था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर है 4 वर्ष का। ठीक, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो आंसर है पुणे के पास खड़कवासला में, ठीक। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है पुणे के पास खड़कवासला में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा, तो आंसर है उपराष्ट्रपति को, ठीक। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को जो है सौंपेगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। ध्यान दीजिएगा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आंसर है 28 फरवरी को, ठीक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, आंसर है उत्तर प्रदेश में, ठीक। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, आंसर है ओजोन परत, ठीक। ओजोन परत जो है हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उसे बचाती है या फिर रक्षा करती है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंट कप किस खेल से संबंधित है, आंसर है फुटबॉल से, ठीक। डूरंट कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1954 में हुए भारत चीन समझौते किस नाम से जाना जाता है, आंसर है पंचशील समझौते के नाम से, ठीक। 1954 में हुए भारत चीन समझौते को जो है पंचशील समझौते के नाम से जो है जाना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, आंसर है नैनीताल के पास उत्तराखंड में, ठीक। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, आंसर है अग्न्याशय, ठीक। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, आंसर है अग्न्याशय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, आंसर है 9 जनवरी 1915 को, ठीक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आंसर है त्वचा को, ठीक। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आंसर है त्वचा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, आंसर है 1773 में, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लागू हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, आंसर है लाला लाजपत राय के, ठीक। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो है लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य को चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है, आंसर है 6 वर्ष के लिए, ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है 6 वर्षों के लिए जो है किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए, तो आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली में, ठीक। प्रथम एशियाई खेल जो है मई 1951 में जो है नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।